मलप्रा आगरा, हम आपके साथ सच के साथ, अब नहीं छुपेगा कोई अपराध। दो बीमारियों को हराएंगे, दो बीमारियों को हराएंगे, दो बीमारी को हराएंगे। नमस्कार मित्रों, मैं चोप सिंह सक्सेना, इस समय आप मेरे साथ आगरा ग्वालियर रोड के ब्लॉक बरौली अहिर की ग्राम पंचायत नैना जाट में खड़े हुए हैं। यहाँ पर राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में छात्र छात्राओं के टीकाकरण अभियान लगाया जा रहा है। टीकाकरण अभियान के तहत 9 माह से लेकर 15 वर्ष के छात्रों के लिए में टीके लगाए जा रहे हैं, जिसमें खसरा और रुबेला ये दो बीमारी हैं जिनको भगाने के लिए, दो बीमारियों को भगाना है ये टीका अवश्य लगाना है। जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरौली अहिर से ANM बिमलेश के साथ ग्राम प्रधान राजेंद्र सिंह, शिक्षा समिति के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह रावत के साथ साथ समस्त स्कूल का स्टाफ मौजूद रहा। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिमलेश है, मैं CSC बरौली और पोस्टिंग है मेरी ANM की पद पर कार्य कर रही हूँ जी। आज यहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है मीजल्स रुबेला का जी, जो स्कूल जी ऐसे स्कूल में आज का प्रोग्राम है, बच्चों के वैक्सीनेशन हो रहा है, अच्छी तरीके से हो रहा है। तो इससे क्या क्या फायदा है बच्चों को लगाने से? मीजल्स की जो बीमारी होती है खसरे की जी, तो उससे बचाव करता है। अगर किसी को खसरा निकलता भी तो इजीली निकल जाएगा। एक ये एक दूसरी टीका है जिसका नाम है रुबेला, मीजल्स रुबेला एक ही वैक्सीन है। वो रुबेला जो है जो बच्चों की लड़कियों में ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है, जैसे ये बालपन है, और इसको रोकता है। अच्छा, आज कितने बच्चों को आपने ये लगाया? अभी मैंने 100 बच्चों को कर दिया है वैक्सीनेशन, और अभी 100 और है प्लस। क्या नाम है आपको? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, ग्राम पंचायत से प्रधान के पास दिख रहा हूँ मैं। आज हमारे GIG स्कूल में जो तीसरे दिन रुबेला के टीके लगाए जा रहे हैं, जिससे बच्चों को खसरा से और तमाम बीमारी से बचाया जाएगा, और सभी बच्चों को इस बीमारी से दूर रखा जाएगा। इससे इसीलिए कैंप लगाया जा रहा है, यहाँ पर बच्चों को रुबेला के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, और जो बरौली ब्लॉक से टीम आई है, मैडम आई है, वो टीका लगाई है। क्या नाम है आपको? मेरा नाम जितेंद्र सिंह रावत है, मैं निवास नैना जाट में शिक्षा समिति का अध्यक्ष हूँ। सर, आज यहाँ क्या प्रोग्राम हो रहा है? आज हमारे यहाँ GGIC नैना जाट में रुबेला और खसरा का इंजेक्शन लगवाए जा रहे हैं। तो कितने छात्रों को आपने इंजेक्शन लगवाया आज? मैं
मेरे यहाँ पिछले लगभग तीन दिन से यह टीकाकरण अभियान चल रहा है पूरे गांव में, जिसमें आपका प्राइमरी स्कूल में लग चुके हैं, हमारे जूनियर स्कूल में लग चुके हैं, अभी हमारे लगभग 3 से 4 स्कूल और बचे हैं जिनमें हमारे अभी रूबेला के इंजेक्शन लगने हैं। मैं नियंत्रण इसमें पूरे दिन टाइम इसमें बिताता हूँ, इनके साथ रहता हूँ और इनको एक एक बच्चे को बाहर से भी हमारे बच्चे अभी आ रहे हैं जो आंगनबाड़ी वाली हैं, वहाँ भी हमारे ये कार्यक्रम चल रहे हैं अभी।